हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे WWE के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की पहली स्टोरी है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस से रिलेटेड। तो स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद कैथी केली ने बैकस्टेज रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस का इंटरव्यू लिया था, जिसमें कैथी केली ने उन दोनों को फ्रेंड बताया। तो इसके बाद केविन ओवंस ने रैंडी ऑर्टन से पूछा कि क्या रैंडी ऑर्टन उन्हें फ्रेंड कंसीडर करते हैं। उसका रिप्लाई करते हुए रैंडी ऑर्टन ने कहा, आई थिंक वी आर गेटिंग देयर, वी गॉट लिटिल वेज टू गो, बट लिसन, आउट ऑफ नोवेयर इज काइंड ऑफ माय थिंग, सो आई फिगर टुनाइट वी आर इन स्कॉटलैंड, आई लव स्कॉटलैंड, हेल, ड्रू इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, आई लव ड्रू, व्हाट कैन आई से, आई जस्ट फिगर्ड आई वुड कम आउट ऑल द वे ओवर हियर अक्रॉस द सी एंड आई वुड हेल्प माई फ्रेंड एक्वेंटेंस बडी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो रैंडी ऑर्टन शुरुआत में सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि केविन ओवंस उनके फ्रेंड है। और रैंडी ऑर्टन ने यह भी कहा कि WWE में उनके सिर्फ कुछ ही फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद कैथी केली ने रैंडी ऑर्टन से पूछा कि क्या वो उन्हें फ्रेंड कंसिडर करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। और ये चीज़ कैथी केली को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जहाँ उन्होंने लिखा, आई गेट दिस मैन रैंडी ऑर्टन अ होल टब ऑफ न्यूटेला इफ यू नो यू नो एंड ही सेज वी आर स्टिल नॉट फ्रेंड्स येट। तो कैथी केली ने कहा कि मैंने रैंडी ऑर्टन को न्यूटेला का एक पूरा टब दिया, लेकिन ये फिर भी मुझे अभी तक फ्रेंड कंसिडर नहीं करता है। अगली स्टोरी है सैमी ज़ेन से रिलेटेड। तो सैमी ज़ेन ने कुछ टाइम पहले अपना एक कॉमेडी शो किया था, और अब उन्होंने अपने नेक्स्ट कॉमेडी शो के बारे में अपडेट दी है, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कैंट वेट टू डू दिस अगेन, टोरंटो July 4, डिटेल्स टू कम। यानी कि उनका अगला इवेंट July 4 को टोरंटो में होने वाला है। अगली स्टोरी है एक WWE हॉल ऑफ फेमर के बेटे के पासिंग से रिलेटेड। तो WWE हॉल ऑफ फेमर रिकी मॉर्टन ने बताया कि उनके जो सबसे बड़े बेटे थे जोनाथन मॉर्टन, वो पास अवे हो चुके हैं कुछ दिनों पहले। और ये न्यूज़ सुनने के बाद कई फैंस और वेटरन्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी कंडोलेंसेस रिकी मॉर्टन के लिए शेयर की। अगली स्टोरी है पाइपर निविन से रिलेटेड। तो पाइपर निविन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए जेड कारगिल और बियांका बेलेयर की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और ये दोनों ग्रेट पीपल हैं और ग्रेट रोल मॉडल्स भी हैं। और इसी के साथ पाइपर निविन ने यह भी कहा कि वो किसी न किसी दिन जेड कारगिल और बियांका बेलेयर को फेस करना चाहेगी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए अपनी पार्टनर चेल्सी ग्रीन के साथ। अगली स्टोरी है ड्रू मैकइंटायर से रिलेटेड। तो ड्रू मैकइंटायर को स्कॉटिश रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, और ये न्यूज़ ड्रू मैकइंटायर ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की, जहां पर उन्होंने लिखा, इट इज़ अ ह्यूज ऑनर टू बी इंडक्टेड इनटू द स्कॉटिश रेसलिंग हॉल ऑफ फेम, आई एम सो इनक्रेडिबली प्राउड टू बी फ्रॉम स्कॉटलैंड फ्रॉम आयरशायर टू बी इंडक्टेड एट इब्रोक्स एज वेल, डजंट फील रियल, #WWEcastle। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।